Hey, what's up guys? कैसे हो आप सभी लोग? Guys, तो नवकार मोटर्स पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ guys. तो यहाँ पे मारुति सुजुकी इको BS6 मॉडल जो कि जबरदस्त लुक में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि गाड़ी के अंदर चॉकलेट ब्लैक और व्हाइट के अंदर पूरा का पूरा इंटीरियर बन चुका है और सोफा कम बेड की गाड़ी है. और ये गाड़ी आ चुकी थी बेंगलोर से गाइज, बहुत ही अच्छी सी जगह पे. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि KA05NE0445 गाइज नंबर प्लेट ओरिजिनल है. और हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैं पूरी की पूरी गाड़ी का जो इंटीरियर का लुक है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. जैसे कि आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी बन चुकी है. डोर पैनल से लेके कर्टन्स, विंडो कर्टन्स भी लगाए हुए. जैसे कि अंदर का लुक वाइट, चॉकलेट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में हम लोगों तीन कलर के अंदर हम लोगों ने सीलिंग बनाई हुई है, सीट कवर्स बनाए हुए हैं, फोर डोर पावर विंडो किए हुए हैं. ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो इंटीरियर के अंदर पूरा का पूरा सीलिंग, ये पिलर्स भी हम लोगों ने लेदर, जो हम लोग सीट कवर का मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अंदर ही सभी की पिलर बन चुकी है. जैसे कि आप लोग देख रहे हो अंदर में आप आराम से 6 लोग बैठ सकते हो आमने सामने. और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खास चीज़ बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इंटीरियर कैसी तरह है. देख लो, सीलिंग पे इंडिया का मैप लगा हुआ है, टी ब्लोअर, एंड्रॉयड प्लेयर, चार्जिंग सॉकेट और कंफर्ट सीट के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी बना दी है जो कि नवकार मोटर्स ने बनाई है गाइस. और आपको मैं सभी चीज़ दिखा दूँ कि कैसी तरह पूरा लुक आ रहा है. पीछे की साइड जाते हैं तो पीछे की साइड के अंदर हम लोगों ने पीछे 2 ड्रॉवर्स दे दिए है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ कैसी तरह पूरा वर्क है. जैसे कि आप लोग देख रहे हो पूरा इंटीरियर पिलर से लेके कर्टन से लेके सीट कवर्स के लेके पूरी डिजाइनिंग नवकार मोटर्स ने की है. नीचे हम लोगों ने ड्रॉवर्स दे दिए गाइस. कस्टमर का कॉन्सेप्ट था टूर एंड ट्रैवलर्स का, तो उनको पीछे किचन का सामान रखना था, इसके लिए हम लोगों ने पीछे ड्रॉवर्स बना दिए बहुत ही ज़बरदस्त. और यहाँ पर हम लोगों ने लाइट्स लगा दिए और इन्वर्टर का काम भी इसके अंदर वायरिंग का किया हुआ है और कस्टमर खुद ब खुद इन्वर्टर और बैटरी लगाने वाला है. तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टर का वायरिंग कर दिए. अब एसी टू डीसी कैसी तरह होता है मैं आपको दिखाऊँ, या डायरेक्ट प्लग के अंदर हम लोग वायर का प्लग डाल देते तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी तरह पूरा वर्किंग हो जाए. यहाँ से हम लोगों ने ये डाल दिया, स्विच ऑन कर दिए और यहाँ पे एक स्विच हम लोगों ने पीछे की लाइट की दी हुई है. जैसे कि यहाँ से स्विच गिरा होगा तो पीछे की लाइट ऑन हो जाएगी. ओके, यानी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त वाला है, आप ये कॉन्सेप्ट हमारे वहाँ करवा भी सकते हो. और हाँ गाइस, यहाँ पे आराम से आप पीछे खाना बना सकते हो, कुछ भी कुछ अच्छा एक्टिविटीज़ का काम कर सकते हो और फोकस भी अच्छा है. आप इंडक्शन भी रख सकते हो, यानी कि आप जो चाहे वो गाड़ी के अंदर रख सकते हो. बहुत ही अच्छी सी कार बनी है. और गाइस, बेंगलोर यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आए हुए कस्टमर है बहुत ही अच्छे से कस्टमर है. और इसके अंदर टाइम हम लोगों को बहुत ही अच्छा दिया हुआ है कस्टमर ने. और मैं आपको बताऊँ सोफ़ा कम बेड का कैसे तरह पूरा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे ये पोर्शन एक खुलता है तो यहाँ पे एक आदमी को सोना है तो सो सकता है और दूसरे 4 आदमी बैठ भी सकते हैं. जैसे कि आपको मैं पीछे से लुक दिखा रहा हूँ, देखो एक आदमी सो सकता है, दूसरे आदमी बैठ भी सकते हैं. और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये भी खोल डालो तो आराम से 3 या 4 लोग आराम से सो भी सकते हो. और यहाँ पे आपको एक जगह भी मिल सकती है कुछ रखने के लिए, तो ये यानी कि आप सामान भी अच्छा सा आप अंदर इंस्टॉल कर सकते हो. तो गाइस, कैसी लगी पूरी गाड़ी? इसके अंदर 2 एंड्रॉयड लगे हुए, देखो पूरी लेंथ भी पूरी मिलती है. और हाँ गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी के अंदर CNG नहीं है, प्योर पेट्रोल है, इसके लिए ही आपको पूरी की पूरी लेंथ मिल सकती है. तो गाइस, पूरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ज़बरदस्त है ना? और हाँ, मेन बात तो ऊपर इंडिया का मैप लगा हुआ है गाइस, ज़बरदस्त. ये कस्टमर बहुत ही खतरनाक वाला था, यानी कि आके मेरे को बोलता है कि मुझे, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का मैप लगाना चाहिए. जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो बीच में एंड्रॉयड प्लेयर, 2 ब्लोअर, 4 डोर पावर विंडो भी हम लोगों ने ये गाड़ी के अंदर लगा चुके हैं. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का मैप कैसा है गाइस. बहुत ही अच्छी सी मेहनत की हुई है, देख लो पूरा का पूरा इंडिया का मैप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से हम लोगों ने लगा दिया है. ऊपर प्रोफाइल लाइट भी लगा दी है. तो गाइस, इंडिया का नाम तो रोशन करना ही चाहिए. और हाँ, नवकार मोटर्स तो इंडिया का नाम रोशन करती ही है, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग इंडियन हैं. तो गाइस, बहुत प्राउड फील होता है
ऐसा कुछ काम करते हुए कि हमारे पास इतना नॉलेज है और इंडिया में इतना नॉलेज है कि हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो और गाइस कैसा लगा पूरा वर्क, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू नवकार मोटर।